आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, सो द क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शे एंड चेस टू प्रूव दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। कहते कि हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट बताओ जिसमें उन्होंने प्रूव किया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए। पहले साइंटिस्ट खोज रहे थे कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा मॉलिक्यूल है, डीएनए या फिर प्रोटीन। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैक्टीरियोफाज लिया, T2 बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या होता है, बैक्टीरियोफाज वायरस होते हैं ऐसे, जो क्या करते हैं, वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। जो T2 बैक्टीरियोफाज है वो किस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, वो इन्फेक्ट करते हैं ईकोलाई को। ठीक है, इन्होंने T2 बैक्टीरियोफाज लिया, इन्होंने T2 बैक्टीरियोफाज को दो अलग अलग मीडियम में ग्रो किया। कुछ इन्होंने बैक्टीरियोफाज को ग्रो किया सल्फर में, ठीक है, और कुछ को ग्रो किया फॉस्फारस में, रेडियोएक्टिव सल्फर में, और कुछ को ग्रो किया रेडियोएक्टिव फॉस्फारस में। जो सल्फर होता है वो प्रेजेंट होता है प्रोटीन्स में, सल्फर प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है, और फॉस्फोरस जो होता है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो बैक्टीरियोफाज सल्फर में ग्रो किए रेडियोएक्टिव सल्फर में, तो जो उनके प्रोटीन होंगे वो रेडियोएक्टिव होंगे, है ना, और जो बैक्टीरियोफाज फॉस्फोरस रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो किए तो उनके जो डीएनए होगा वो रेडियोएक्टिव होगा। ठीक है, तो इन दोनों अलग अलग बैक्टीरियोफाज को ईकोलाई को इन्फेक्ट करने को अलाउ किया। ठीक है, तो जो सल्फर वाला बैक्टीरियोफाज था उन्होंने पहले इन्फेक्शन, इसमें पहली स्टेज में इन्फेक्शन हो गई। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने ब्लेंडिंग करी, उसको अच्छे से मिक्स कर दिया, फिर उसके बाद सेंट्रीफ्यूज किया और देखा कि क्या प्रेजेंट है। तो इन्होंने देखा कि जो सल्फर वाला बैक्टीरिया, जो सल्फर वाला बैक्टीरियोफाज है, जो बैक्टीरिया इन्फेक्ट किया उससे, उसमें कुछ रेडियो एक्टिविटी है ही नहीं, ठीक है, सेल्स में। ठीक है, और फॉस्फोरस वाले में सेल्स में रेडियो एक्टिविटी दिखी। इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉस्फोरस है, मतलब कि जो डीएनए होगा वो सेल्स के अंदर चला गया, बट जो सल्फर था, जो प्रोटीन था, वो बाहर ही रह गया, वो सेल्स के अंदर एंटर नहीं कर पाया, वो सुपरनेटेड में रह गया। सुपरनेटेड मतलब जो सेंट्रीफ्यूज हम अगर किसी चीज को करते हैं तो हम इसको बहुत हाई स्पीड पे स्पिन करते हैं, तो हैवी चीजें बैठ जाती हैं, बाकी क्या करता है ऊपर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इसमें सेल्स में जो थे वो फॉस्फोरस प्रेजेंट था बट सल्फर की प्रेजेंट नहीं था। तो क्या हुआ कि जो फॉस्फोरस है, मतलब जो डीएनए है, वो उन्होंने देखा कि वो है जेनेटिक मटेरियल। आई होप दिस क्लियर्स योर डाउट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।